प्यारे छात्रों, इस लाइव क्लास में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। ये बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो आगामी परीक्षा, जिसमें फर्स्ट पेपर क्रॉपिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके लिए आज ये पूरा लगभग एक मैराथन क्लास कह सकते हैं कि चल रहा है, जिसमें आप सभी छात्र जल्द से जल्द जुड़ जाएं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसके साथ आप उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी प्यारे छात्र जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अपने क्लास को शानदार बनाएं। सभी प्यारे छात्र, आप सबों की परीक्षा की तिथि और एग्जामिनेशन सेंटर की घोषणा हो चुकी है, तो आप सभी छात्रों का जल्द से जल्द जुड़ करके और अपने क्लास को आप लोग अच्छा बनाएं। देखिए बेटा, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न में। इसमें सबसे मेन टॉपिक है आज का जो झूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बेटा, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ये इसके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा हम समझते भी चलते हैं। झूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरित खेती या चल खेती, इस नाम से भी जानते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट मतलब कि कोई भी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह पर अपनाना, वो चीज़ क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग। इसको बेसिकली जो जनजातियां हैं, जनजातियों के द्वारा ये सिस्टम अपनाया जाता है और ये जनजाति जंगल के किसी एक क्षेत्र में, इसे मान लीजिए कि जंगल है, तो ये जंगल के किसी एक क्षेत्र में खेती करते हैं और खेती करना प्रारंभ करते हैं। मतलब जब तक यहाँ के इस खेत की या इस क्षेत्र की जब तक इसकी उर्वरा शक्ति रहती है, तब तक तो वहाँ खेती करते हैं, और जैसे इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तुरंत इस क्षेत्र से हट करके और किसी दूसरे क्षेत्र में जंगल को साफ कर, उसको जला कर, और फिर वहाँ दूसरे क्षेत्र में खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। और इस तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को वो चले जाते हैं, थोड़े दिन यहाँ पर खेती किए, फिर इस जंगल को साफ सुथरा करके यहाँ पर खेती किए, फिर कहीं और जंगल को साफ करके वहाँ पर खेती करना प्रारंभ किए। तो इस तरीके से वर्ष दर वर्ष ऐसे ही अपने खेती की प्रणाली को चेंज करते रहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम हस्तांतरित या झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं। एक ऐसी खेती की प्रणाली जिसमें प्रत्येक वर्ष जमीन को बदल कर खेती की जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या बेटा बोलते हैं झूमिंग खेती। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि झूमिंग खेती किसे कहते हैं। और ये झूमिंग खेती प्रमुख तौर पर जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन राज्यों में ज़्यादातर, ये जैसे नागपुर वहाँ पर पठारी क्षेत्रों में, या पश्चिम बंगाल, असम, ऐसे क्षेत्रों में ये सब खेती ज़्यादातर अपनाया जाता है, झूमिंग खेती, जहाँ पर खेत को बदल करके और वर्ष दर वर्ष किसान, जो वहाँ किसान जनजाति जो भी हैं, वो वर्ष दर वर्ष उसको चेंज करके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, या उस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति का उपयोग करने के लिए और क्षेत्र को बदलते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो बेटा, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। अब अगला एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा है जो पूछा जा सकता है, क्रॉप रोटेशन। क्या पूछा जाता है बेटा? क्रॉप रोटेशन मीन्स, इसको हम बोलते हैं फसल चक्र, इसको बोलते हैं हिंदी में फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन नाम ही है फसल और चक्र। फसल किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ प्लांट व्हिच इकोनॉमिक वैल्यू इज कॉल्ड क्रॉप, इस पौधों का ऐसा समूह जिसका कोई आर्थिक महत्व होता है उसे हम फसल कहते हैं। और फसल
का क्या करना है, उसको चक्र मतलब अदल बदल कर बोना है। मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि किसी निश्चित भूमि पर, जैसे मान लीजिए कि आपका एक निश्चित क्षेत्र है, किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित भूमि पर दो या दो से अधिक, इसमें दो या दो से अधिक फसलों को इस प्रकार से अदल बदल कर बोना या क्रमिक तौर पर बोना, जिससे इस मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके और हमारे वातावरण पर कोई उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, उसी को हम क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। खेती की वह प्रणाली इसमें फसलों को हम क्या करें, अदल बदल कर बोते हैं। जैसे अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है वह धान और गेहूँ, सबसे ज़्यादा अपने यहाँ अपनाए जाने वाला जो फसल चक्र है वह धान और गेहूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ किसान ऐसा भी करते हैं, धान गेहूँ अब यहाँ पर मूंग या अवलिक उर्द की खेती भी करते हैं, तो यह भी फसल चक्र अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फसल चक्र जो ज़्यादातर अपनाए जाते हैं, जैसे धान सरसों, धान काटे धान के बाद सरसों, धान फिर यहाँ पर सरसों और सरसों के बाद फिर इसमें कोई और खेती, जैसे सब्जी की कोई खेती कर लिए, इसमें मिर्च की खेती कर लिए या इसमें कोई और खेती, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाता है, फसल चक्र, मतलब एक एक फसलों को अदल बदल कर बोना, ये चीज़ में बदलते रहना है। इसका सिद्धांत भी होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र का सिद्धांत। तो फसल चक्र के सिद्धांत में जैसे पहला पॉइंट आप जान लीजिए कि दलहनी के बाद अदलहनी फसलों को लगाना। दलहनी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अदलहनी के बाद दलहनी कर लीजिए, तो जैसे आप मान लीजिए खरीफ में क्या किए, धान लगा दिए, धान के बाद रबी में सपोज करो इसमें चना लगा सकते हैं, तो ये भी एक दलहनी के बाद अदलहनी। अगला होता है कि गहरी जड़ वाली के बाद उथली जड़ वाली फसल को लगाना। अब गहरी जड़ मान लीजिए इसमें फसल लगा दिए अरहर, और अरहर के बाद फिर इसमें कटाई करके धान लगा दिए, ये भी हो सकता है। अधिक पानी चाहने वाली के बाद कम पानी चाहने वाली फसल, जैसे गन्ना, गन्ना को काटे इसमें मसूर या उड़द या चना, ऐसी फसलें लगा सकते हैं, ये भी है। या फिर है कि अधिक निकाय गुड़ाई के बाद कम निकाय गुड़ाई वाली चाहने वाली फसलें, ये भी आप कर सकते हैं। अधिक खाद चाहने वाले के बाद कम खाद चाहने वाले के बाद, तो ये भी हो सकता है कि जैसे गन्ना अधिक इसको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, इसके बाद कम फर्टिलाइज़र वाली कोई उड़द मूंग मसूर चना कोई भी आप लगा सकते हैं, जिनको बहुत कम मात्रा में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, तो उसका भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब बेटा सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत को भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे अगर आप क्रॉप रोटेशन लगातार अपनाते हैं, तो क्रॉप रोटेशन अगर लगातार अपनाएंगे तो इससे आप झूमिंग खेती को भी कंट्रोल करेंगे। इसका एक भी ये भी एक महत्व कह सकते हैं कि झूमिंग खेती का भी अच्छी तरीके से एक आप उपयोग कर सकते हैं, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बन सकता है। आगे बेटा आता है कि जैसे इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, टिकाऊ खेती। तो टिकाऊ खेती का शुभारंभ कब हुआ, टिकाऊ खेती जैसे जब आधुनिकतम खेती का शुभारंभ हुआ, इसमें जब आधुनिकतम खेती का शुभारंभ हुआ, जब फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इन सब का हाई मात्रा में उपयोग किया जाने लगा, ज़्यादा मात्रा में इसका यूज किया जाने लगा, तो वहाँ पर हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती की बात की गई। किसकी बेटा, यहाँ पर टिकाऊ खेती, टिकाऊ खेती, तो टिकाऊ खेती की बात की गई, मीन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रूप में इसको माना गया। इसी को हम इको फार्मिंग के नाम से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इसी को इको फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। जब हम खेती को आधुनिकतम व्यवसायी या कह सकते अधिक तकनीकों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा हम उपज लेने के चक्कर में पड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के चक्कर में हमने क्या किया कि जो हमारी खेती की प्रणाली, जो हमारी खेती की पद्धति है, हमारी जो खेती का टिकाऊपन है, जो उस मृदा की फर्टिलिटी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है,
उस सब को हम पीछे छोड़ करके और अपने उत्पादन ज़्यादा लेने के चक्कर में हम अंधाधुंध कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र और या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसका उपयोग करते रहे। इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी, हमारे इकोसिस्टम पर भी और खेत की उर्वरता पर भी, इस सब पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अब इसी चीज़ को कि खेती की ऐसी प्रणाली अपनाई जाए जो लांग समय तक चले, मतलब उसमें कम से कम रसायनों का प्रयोग किया जाए, जैसे उसमें फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करके या INM अपनाया जाए, उसमें IPM अपनाया जाए, IWM अपनाया जाए, ये सब अपना करके और एक ऐसी पद्धति अपनाई जाए कि जिससे उत्पादन भी अच्छा मिल सके और वातावरण कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिले। अगर इस पद्धति को हम अपनाते हैं तो यह आपका क्या होता है, टिकाऊ खेती, या इसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जान सकते हैं, जिसमें मल्टी लेवल कल्टीवेशन या ये सब आप कर सकते हैं। और खेती के साथ साथ जैसे आप पशुपालन करें तो पशुपालन अगर करेंगे तो वो भी एक टिकाऊ खेती का एक अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती को यहाँ पर अपना सकते हैं। अगला बेटा इसमें आ जाता है कि सस्टेन प्रणाली क्या होता है, सस्टेन प्रणाली क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ये भी क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है। आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, लगातार, अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए लगे रहो। अब आपको जागृत होकर के और अच्छे तरीके से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करना है। ये चीज़ क्या है बेटा, क्रॉपिंग सिस्टम को मैं इसी को हम सस्टेन प्रणाली कहते हैं। सस्टेन प्रणाली आप एक लाइन में जान लीजिए कि क्रॉपिंग सिस्टम बराबर यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम बराबर हम यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। अगर इस चीज़ को हम करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया जाता है और उसी जो क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया जाता है और क्रॉपिंग पैटर्न के साथ जो मृदा का जो प्रबंधन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। या आप कह सकते हैं किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से आय प्राप्त करने के हेतु, आय प्राप्त करने के लिए जो क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ आपका या एक ही स्थान पर या एक स्थान और वातावरण के बदलने से जो बदल जाता है, जो उसका एक भाग होता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। या फसल उत्पादन के सभी अवयवों एवं इनका आपसी संबंध, या जो वातावरण को किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न करता हो, जो ऐसा प्रणाली, जो ऐसा पैटर्न अपनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से कह सकते हैं कि किसानों, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको भी आप ज्ञान के, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, सस्टेन प्रणाली, तो इस पर भी ध्यान देंगे बेटा कि किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से अधिक आय प्राप्त करने हेतु जो क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये चीज़ भी, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कि समुचित खेती हो सके और उत्पादन स्तर तरीके से कह सकते हैं कि बढ़िया हो सके और किसान का आय भी अच्छा हो सके और इसमें पर यूनिट क्षेत्र से ज़्यादा आय भी मिल सके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर विशेष अपनाते हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको ये पूरा क्रॉपिंग सिस्टम अच्छे तरीके से जानना है। अगला एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। देखो बेटा, क्रॉपिंग सिस्टम के बाद एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सस्टेन क्रम, क्रॉपिंग पैटर्न, सस्टेन
कर्म, तो किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों के द्वारा अपनाया जाने वाला जो शस्यन है, जो फसल चक्र है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। किसी भी क्षेत्र में जो किसानों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो अपनाया जाने वाला शस्यन क्रम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसे जो किसान सबसे ज़्यादा अपना रहे हैं, हर क्षेत्र का अलग अलग है, जो उसकी सिस्टम को ज़्यादातर अपनाते हैं, वही आबा क्या हो जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें समय तथा फैलाव या फसलों का बहुत अच्छे तरीके से एक शस्यन क्रम का आप कह सकते हैं कि व्यवस्था भी होता है, और या किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में विभिन्न फसलों को उस क्षेत्र से प्राप्त भाग को वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसी को क्रॉपिंग पैटर्न को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? क्रॉपिंग पैटर्न को दर्शाता है। तो इसलिए इसको भी आप जान सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न जो एक लाइन में इतना जान ले, किसानों के द्वारा जो अपनाया जाने वाला जो सस्यावर्तन या फसल चक्र है, उसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, या इसको हम शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। यह अगला होगा क्रॉपिंग सिस्टम। तो सॉरी, ये तो क्लियर हुआ क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि फार्मिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। फार्मिंग सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि प्रणाली। क्या बोलते हैं? कृषि प्रणाली। फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो विभिन्न देशों में जो वहाँ की सामाजिक मनोवृत्त भू धारण स्थिति या इन सब को ध्यान में रख करके जो वहाँ की किसान के द्वारा जो प्रणाली अडॉप्ट किया जाता है, उसी को हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, वानिकी है, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में जो वहाँ की सामाजिक आर्थिक वहाँ की आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो वहाँ की भू प्रणाली जैसी भूमि की स्थिति हो, इन सब को ध्यान में रख करके जो वहाँ पर खेती अपनाई जाती है, जो यह कृषि की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम। ये सब क्रॉपिंग सिस्टम का आप कह सकते हैं कि फार्मिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग भी होता है फार्मिंग सिस्टम। तो ये भी आप जान सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से और भी पूछा जाता है कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। क्या होता है बेटा? मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। इसको बोलते हैं मिश्रित खेती। क्या कहते हैं बेटा? मिश्रित खेती। तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो मिश्रित खेती मतलब खेती की वह प्रणाली जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ कोई अन्य व्यवसाय अपनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। क्या कहते हैं बेटा? मिक्स्ड फार्मिंग। जैसे आप कह सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन प्लस एनिमल हस्बेंड्री मतलब खेती के साथ कोई अन्य व्यवसाय। अब एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या इसमें एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ इसमें आगे का और पॉइंट देख सकते हैं साइड ऑफ इसमें, तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री है या मछली पालन है, मुर्गी पालन है, कोई भी खेती के साथ अगर आप अन्य व्यवसाय को अपनाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड फार्मिंग। तो एक क्वेश्चन इसमें भी आप पूछा जा सकता है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगला होता है क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं सस्य योजना। क्रॉपिंग स्कीम ये भी एक क्वेश्चन, आप लोग जरूर सारे लोग क्वेश्चन नोट करते रहिए, सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सब क्वेश्चन जान लीजिए कि बिल्कुल आउट है, ये सब पूछा जाएगा। क्रॉपिंग स्कीम जिसको हम बोलते हैं सस्य योजना, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सस्य योजना। सस्य योजना का अर्थ ये होता है जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक योजना तैयार करते हैं, तो ऐसे जब किसान खेती करना प्रारंभ करता है या उसको फसल उत्पादन करता है, तो उसके पहले क्या करता है, योजना बनाता है। मतलब किसी फार्म पर
निश्चित अवधि के लिए विभिन्न खेतों में फसल चक्रों को इस प्रकार लागू करना जिससे उसकी उर्वरता का ह्रास ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्यक्रम योजना। भाई आपकी एक योजना, जैसे यूनिवर्सिटी की एक योजना है कि इतना दिन में ये पेपर होना है, इतने टाइम फर्स्ट मीटिंग, इतने टाइम सेकेंड सेमेस्टर का, इतने टाइम फोर्थ सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का, तो इस तरीके से जो एक योजना बनाई गई है, आपको एक अपनी योजना बनानी कि हमको इतने समय में ये कोर्स पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्कीम, जैसे आपका एक एग्ज़ाम स्कीम, तो एग्ज़ाम स्कीम आ गया कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में इतने बजे से आपका ये एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कि किसान 2 साल 3 साल किसी निश्चित क्षेत्र पर कैसे खेती करेगा, जिससे और इस प्रकार से भी अपनाएं कि उसकी उर्वरता ह्रास ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिल सके, इस तरीके से जो एक योजना तैयार की गई है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग स्कीम, कि किसी तरीके से हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो, उत्पादन भी कम ना हो, किसान को घाटा भी ना हो, भूमि की उर्वरता भी ह्रास ना हो, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख कर के जो योजना बनाई जाती है खेती करने का, उसी को हम बोलते हैं सस्यक्रम योजना, या उसी को हम क्रॉपिंग स्कीम के नाम से जानते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्रॉपिंग स्कीम किसे कहते हैं, और फार्म पर लागू करने से पहले ही एक योजना वहाँ पर तैयार कर ली जाती है अलग अलग तरीके से, ये भी एक योजना के रूप में आती है। अब यहाँ पर होता है कि जैसे एक पूछा जाता कि सोल क्रॉपिंग किसे कहते हैं, एक एक बेटा एक एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सोल क्रॉपिंग किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ठोस रोपण, कि किसी निश्चित स्थान पर एक ही फसल को उपजाना जिससे उसका शुद्ध घनत्व क्या हो, जो उसका घनत्व पर शुद्ध हो, तो उसी को ठोस सस्यन के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम सोल क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें और आगे आता है। जैसे एक होता है मोनोकल्चर, यहाँ पर दो टॉपिक आप देखोगे, एक होता है मोनोकल्चर और एक होता है यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर एंड मोनोक्रॉपिंग। तो ये टर्म देखते हैं कि बेटा मोनोकल्चर क्या और मोनोक्रॉपिंग क्या है। तो मोनोकल्चर की किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल बारंबार अगर उसकी खेती की जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर। जैसे आपका क्या है, राइस, राइस, राइस और प्लस क्या हो जाएगा, राइस। इस तरीके से अगर हम एक वर्ष में एक ही फसल को बार बार लेते हैं, बारंबार एक ही फसल को लेते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम मोनोकल्चर। अगला होता है मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग का अर्थ कि जैसे एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल को रखना और फिर भूमि को एक वर्ष में केवल एक ही फसल को लेना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोक्रॉपिंग। और दोनों की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी वो हमेशा 100% होगी, चाहे वो मोनोकल्चर का हो और चाहे वो मोनोक्रॉपिंग का हो, तो दोनों का हमेशा इंटेंसिटी क्या होगा, हमेशा 100% ही रखी जाएगी। मतलब एक वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र में केवल एक ही फसल को उपजाना, तो क्या हो जाएगा आपका, मोनोक्रॉपिंग। और एक ही फसल को बार बार अपनाना, तो उसी को क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर। अब जैसे खाली हम मान लो खरीफ में राइस ले लें और खेत को रबी सीजन के लिए परती छोड़ दें, ऐसे ही पड़ा रहे, तो अब क्या हो जाएगा, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा बेटा कि मोनोकल्चर मोनोक्रॉपिंग हो सकता है कि इसको एक नंबर में पूछ लिया जाए। इसी में से आ सकता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉप इंडेक्स, कभी कभी एक नंबर में भी पूछ लेता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसे कहते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसे कहते हैं, या इसी को बोलते हैं क्रॉप इंडेक्स। इसका भी फार्मूला होता है कि एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या गुणे 100, क्या हो जाएगा, एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या गुणे 100, इस फार्मूले पर रख देंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी
इसकी नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए ईयर इनटू 100 इस पे आप रख देंगे। और अगर देखेंगे कि भारत में इस समय जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो लगभग 136% मीन्स 136% वो इस समय इंटेंसिटी के रूप में आती है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। थोड़ा सा देखना इसमें एग्रोनॉमी में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर केवल है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना। तो इसमें सबसे पहला होता है आपका मोनोक्रॉपिंग और होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें पहला हो जाएगा मोनोक्रॉपिंग और दूसरा इसमें बेटा हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स, अब मोनो मतलब क्या है कि एक ही फसल, और मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जब, या इसी को बोलते हैं हम बहुफसली, जब एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों के बजाय यहाँ पर हम वर्ष में 3-4 फसलों को अगर उगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे मान लीजिए एक ही खेत है और हमें एक फसल कटा नहीं, दूसरा कटा नहीं, तीसरा कटा नहीं, चौथा, तो इस तरीके से 3 या 4 फसल अगर एक वर्ष में हम एक ही खेत में ले लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे जो किसान ज़्यादातर सब्जी उब्जी खेती करते हैं तो उनमें यही करते हैं कि एक ही वर्ष में पता चलता है कि 3 से 4 फसल तक ले लेते हैं। 3 फसल जैसे मान लीजिए कि धान लगा दिए, धान के बाद गेहूँ हो गया, गेहूँ के बाद इसमें उड़द या मूंग लगा दिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 3 क्रॉप इसमें हो गया या 4 क्रॉप का भी ले सकते हैं। इनमें होता है कि एक वर्ष में अधिक फसलों को उगाना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मोनो मतलब कि एक वर्ष में केवल एक ही फसल को लेना, तो इस तरीके से इसमें अलग अलग हो जाता है। अब ये देखते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग में कौन कौन सा आता है। मल्टीपल क्रॉपिंग में सबसे पहले आता है बेटा, मल्टीपल क्रॉपिंग में सबसे पहले आता है इंटर क्रॉपिंग। क्या आता है बेटा, इंटर क्रॉपिंग, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंतरा सस्यन, मतलब एक निश्चित खेत जैसे मान लीजिए इसको एक एक समझ लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग जैसे मान लीजिए कि ये खेत है, किसी निश्चित क्षेत्र में या निश्चित क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित लाइन या दूरी में बोने की क्रिया को इंटर क्रॉपिंग, या निश्चित अनुपात में बोने की क्रिया को हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ क्या है, ये फसल है, अब इसमें निश्चित दूरी में दो या दो से अधिक फसलों को आप बो रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। अब जैसे आप क्या कर दिए, एक एग्जाम्पल जैसे वीट प्लस मस्टर्ड, क्या हो जाएगा बेटा वीट प्लस यहाँ पर मस्टर्ड, मतलब गेहूँ और प्लस सरसों, इसको बो देंगे 9:1 के रेशियो में, मतलब 9 लाइन अगर हम बोते हैं गेहूँ का तो 1 लाइन बो देंगे किसका, सरसों का, तो ये आपका आ जाएगा 9:1 के रेशियो में यहाँ पर इसको मान लेते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये भी आपका इंटर क्रॉपिंग, मतलब अंतरा सस्यन, कि किसी निश्चित क्षेत्र में यहाँ पर एक या एक से अधिक फसलों को किसी निश्चित लाइन या दूरी में बोने की क्रिया को क्या बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि इंटर क्रॉपिंग किसे कहते हैं, तो इसमें अलग अलग भाग इसका आ जाता है। अब देखते हैं कि इंटर क्रॉपिंग के अंतर्गत कौन कौन से इसमें सिस्टम अपनाए जाते हैं। इंटर क्रॉपिंग में जैसे एक होता है पैरेलल क्रॉपिंग, पैरेलल मतलब कि समानांतर फसलें। समानांतर फसलों का मतलब क्या है कि जैसे जब असमान वृद्धि वाली फसलों को आपस में लगाएं जिसमें प्रतियोगिता शून्य हो, भाई जैसे कहने का अर्थ क्या, प्रतियोगिता उसमें क्या हो शून्य हो। जैसे एक सपोज करो कि BSc AG का स्टूडेंट है और एक BA का स्टूडेंट है, तो BA का भाई वो अपना अलग डायरेक्शन में और एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर, तो दोनों में प्रतियोगिता क्या है शून्य, दोनों की प्रतियोगिता शून्य। अब पता चला कि दोनों एग्रीकल्चर के हैं तब तो भाई भारी प्रतियोगिता है। तो यहाँ पर कि असमान प्रवृत्ति या शून्य प्रतियोगिता रखने वाले जब फसलों को हम निश्चित लाइन में लगाते हैं
तो उसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग, या उसी को हम बोलते हैं समानांतर खेती। अब समानांतर में जैसे सपोज करो कि ब्लैक ग्राम और उसके बाद में मेज, मींस जैसे यहाँ पर आप कर सकते हो कि या मूंग या उर्द कोई भी फसल हो सकता है, और उसके साथ क्या हो जाएगा मक्का। अगर हम इस प्रकार से अपना लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है पैरेलल, मतलब दोनों का आसमान प्रवृत्ति उसमें रखेगा। आसमान मतलब मूंग क्या होगा वो नीचे फैलेगा और मक्का क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोनों में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। भाई मूंग है तो मूंग को पहले फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी और मक्का को बाद में होगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इन दोनों में हर तरीके से, चाहे वाटर के लिए हो या इसमें न्यूट्रिएंट के लिए हो, उसमें प्रतियोगिता क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल या समानांतर फसल के रूप में मानते हैं। आगे आता है बेटा कि इसमें कंपोनियन में साचर फसलें किसे बोलते हैं, कंपोनियन क्रॉपिंग, साचर मतलब ऐसी जिसमें दोनों फसलों का उत्पादन शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर होता है। जैसे आप क्या करिए कि इस समय जैसे शरदकालीन गन्ने की बुआई हो रही है, अब शरदकालीन गन्ने की बुआई में उसमें आप सरसों बो दीजिए, या उसमें आप मटर लगा दीजिए, या उसमें आप आलू बो दीजिए, या प्याज बो दीजिए, ये सब फसल अगर आप उसमें लगा देते हैं तो ये टोटल क्या हो जाएगा कि जो शुद्ध फसल, जो शुद्ध में जो जितना उत्पादन होना है उतना इसमें भी होगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कंपोनियन क्रॉपिंग के रूप में इसमें जानते हैं। यह अगला होता है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग मतलब होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाइयों की फसलों को उगाना। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये प्रणाली है, जैसे यहाँ पर एक एक प्रणाली के रूप में यहाँ पर आप देख लो, जैसे मल्टी स्टोरी, अब एक एक खेत है और यहाँ पर विभिन्न ऊंचाई, जैसे एक लगा दो जो सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे भी कम, उससे कम, फिर ग्राउंड का इस तरीके से आप लगा देंगे। जैसे शुगर केन, शुगर केन क्या है सबसे ज़्यादा, उसके बाद लगा देंगे मस्टर्ड, उसके बाद लगा देंगे ओनियन या पटेटो, मतलब जो भूमिगत के रूप में हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। अगला इसमें और होता है कि सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग किसे कहते हैं, मतलब जब दो या दो से अधिक यहाँ पर सस्य प्रणाली को प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसल से भी अगर ज़्यादा होगा तो उसी को हम सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। जैसे शुगर केन प्लस पोटैटो, तो शुगर केन के साथ क्या होगा, उसका उत्पादन वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी को हम सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो आता है बेटा आपका क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग पैटर्न के तौर पर आता है। इसी में एक और आता है कि ये तो था आपका इंटरक्रॉपिंग के। अगला आता है बेटा मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक इंटर हो गया, इंटर के बाद फिर आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। यहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित खेती, जब खेत में दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति विन्यास और स्पेसिंग को ध्यान में रख करके हम जब एक दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो यहाँ पर इंटर में क्या था, इसी का जस्ट इसमें क्या था कि निश्चित दूरी निश्चित लाइन में, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है, इसमें कोई पंक्ति या विन्यास नहीं देखते हैं, और इसमें विन्यास ना देख करके जब हम अलग अलग क्षेत्रों में इन फसलों को उगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो किसान ब्रॉडकास्टिंग छिटकवा विधि से अपनाता है तो वो विधि इसके अंतर्गत आता है। ब्रॉडकास्टिंग में बीज को फेंकता चला जाता है, उसमें कोई पंक्ति या विन्यास या कोई लाइन नहीं होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो बेटा मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में अंतर आ गया ना, एक मिक्स्ड फार्मिंग बताया था, मिक्स्ड फार्मिंग अलग चीज़ है कि उसमें खेती के साथ कोई अन्य व्यवसाय करना उसको ध्यान में न लाना। यहाँ पर क्या मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें दो या दो से अधिक फसलों को आपस में मिक्स करके लगाते हैं, तो इसको भी आप लोग बेटा जान लो। इसमें क्या करते हैं कि दो तरीके से, एक होता है कि इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग के बाद एक होता है सिक्वेंस क्रॉपिंग, मतलब सतत खेती। तो सिक्वेंस क्रॉपिंग मतलब जब दो एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को उसमें हम सीक्वेंस के रूप में, मतलब पहली फसल जब कट जाए
तब हम दूसरी फसल को लगाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस क्रॉपिंग। अब आप लोग देख लो कि सीक्वेंस क्रॉपिंग किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लीजिए कि ये आपका भाग है, इसमें इस तरीके से आप अपनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस क्रॉपिंग। मतलब फर्स्ट क्रॉप, यहाँ पर सेकेंड क्रॉप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड क्रॉप। फर्स्ट का मैंने क्या किया, यहाँ पर सोइंग किया, फिर क्या किया, फर्स्ट का ही यहाँ पर हार्वेस्टिंग किया, और फिर सेकंड का क्या कर दिया, सोइंग कर दिया। मतलब एक फसल कट जाएगी तब दूसरी, फिर दूसरी कट जाएगी तब तीसरी, इस तरीके से लगाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सीक्वेंस क्रॉप के नाम से जानते हैं। अगला इसमें आता है रिले क्रॉपिंग, या इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। जो रिले क्रॉपिंग, एक रिले दौड़ से लिया गया है क्वेश्चन, ये भी बेटा इसमें पूछा जा सकता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं। रिले क्रॉपिंग जो है, या एक दौड़ से लिया गया है, कौन सा दौड़ था, रिले दौड़ से लिया गया है। इसमें क्या करते हैं कि एक फसल कटने से पहले ही दूसरी फसल को इसमें लगा दी जाती है, तो उसमें क्या आ जाएगा, रिले क्रॉपिंग। जैसे बेटा इसमें आप समझ लो कि रिले क्रॉपिंग, अब ये आपका रिले क्रॉपिंग में, जैसे एक फसल मैंने, मेरी पहली फसल क्या हो गई, कट गई। अब पहली फसल कटने के पहले ही उसमें दूसरी फसल को आपको क्या करना है, लगा देना है। यहाँ पर देखो, समझा देता हूँ रिले क्रॉपिंग को। जैसे ये चीज़ है, अब यहाँ पर इस प्रकार का सीक्वेंस बन जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार का सीक्वेंस बनेगा। मींस ये पहली फसल है, फर्स्ट क्रॉप, यहाँ पर फर्स्ट क्रॉप, ये हो गया। अब फर्स्ट क्रॉप यहाँ पर इसका कटना है, लेकिन इससे पहले ही इसकी हम बुआई कर देंगे। मतलब यहाँ इसका भी क्या किया, सोइंग, सोइंग, इसका भी क्या करेंगे, सोइंग। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हार्वेस्टिंग, क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग, फिर सोइंग। मतलब पहली फसल कटने से पहले ही दूसरी फसल को उसमें लगा देना, तो इसी को ओवरलैपिंग या रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। जैसे धान है, धान में बरसीम लगा देना, धान पता लगा धान कटा नहीं तराई क्षेत्र में, और उसमें पहले ही क्या कर दें हम, बरसीम की फसल लगा दें, तो जब उसकी फसल लगा देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं इसमें बेटा, रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं इसको। ऐसे आपको मल्टी स्टोरी या ये सब क्रॉपिंग को बता दिए हैं, तो ये पॉइंट भी इसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, पूरा क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। और आगे इसमें देखते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न में फिर इसमें एलिलोपैथी वगैरह ये सब क्या होता है, और एलिलोपैथी में क्या आता है, और आगे फार्मिंग सिस्टम क्या होगा, और टाइप्स ऑफ फार्मिंग किसे कहते हैं, कृषि की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें अब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रणाली इसके अंतर्गत। देखो बच्चों, इसमें दो टॉपिक और, इसमें एक नंबर पूछा जा सकता है या साइड में पूछा जा सकता है कि एनिडेशन क्या होता है और एलिलोपैथी क्या होता है। हालांकि आप लोग इसको भी जानते हैं थोड़ा सा, एक एक पॉइंट आप लोग जानें कि एनिडेशन होता क्या है। एनिडेशन जैसे जब हम इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं, मतलब दो फसलों को एक साथ बगल बगल में बोते हैं, ऐसे में क्या होता है, एक फसल का प्रभाव दूसरे फसलों के ऊपर जरूर पड़ता है। भाई जैसे एक फसल बढ़ रहा है, तो हो सकता है इसकी पत्तियाँ इसके ऊपर आ जाएँ दूसरी फसल पर, उसको हो सकता है धूप ना मिल पाए, या हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स उसको अच्छे तरीके से ना मिल पाए, या हो सकता है कि वो पौधा ऊपर आ जाए तो उससे उसका ग्रोथ ना हो पाए। मतलब आप कह सकते हैं कि अंतरासस्यन में उगाई जाने वाली फसलों के बीच जो पूरक आंतरिक क्रियाएँ होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनिडेशन के नाम से जानते हैं। जो एक पौधों का दूसरे पौधों के ऊपर जाता है जो प्रभाव, खास करके दो प्रभाव पड़ता है, एक बेटा पड़ता है जैसे स्पेस का और दूसरा टाइम का। ये दो प्रभाव एक निश्चित तौर पर एक पौधों से दूसरे पौधों के ऊपर पड़ता है, इसी को हम एनिडेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक जैसे सामयिक एनिडेशन होता है और एक अस्थाई होता है। तो जैसे स्थानीय होता है, तो स्थानीय में भी जैसे आप कह सकते हो कि फसलों के उदग्र भाग में, जैसे उसके जो टाई या उसकी
पौधों की हाइट या पौधों की पत्तियां या पौधों के सकते हैं कि इतना दूर तक वो फैलेगा, ये सब प्रभाव पड़ जाता है। या जो पौधों के बीच में एक आप कह सकते हैं कि अंतराक्रिया या जो प्रकाश का या पोषक तत्वों का या आप कह सकते हैं वाटर का, इस सब का भी प्रभाव कुछ पौधों में पड़ता है। जैसे मान लो मक्का, मक्का के बाद मूंग लगा दिए, तो मक्का की फसल तो ऊपर बढ़ गई और मूंग क्या हो गया, नीचे रह गया, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, उसके साथ वो उसके साथ उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से जो पौधों का दूसरे पौधों का पहले पौधों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है ये एनिडेशन। दूसरा होता है बेटा एलोपैथी। एलोपैथी का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जैसे एक फसल के द्वारा जो उसके जड़ के द्वारा जो कोई शराबित किए गए जो विषैलापन है या जो विषैला प्रभाव है वो किसी दूसरे पर उसका अगर इफेक्ट पड़ता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एलोपैथी के नाम से जानते हैं। अगर वो कोई रासायनिक पदार्थ छोड़ रहा है और उस रासायनिक पदार्थ को कोई आगामी फसल जैसे ले रहा है उसके ऊपर अगर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी। जैसे सूर्यमुखी या ऐसे बहुत सारे सूर्यमुखी के पौधों से ज्ञान फसलों से भी जो कोई रसायन अगर छोड़ा जाए और उसमें जो आगामी फसल लगाया जाए उसके ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है तो इसी को क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बेटा आ सकता है। अभी इसका एक पार्ट, सेकंड पार्ट अभी इसका वीडियो और बनाएंगे इसी पेपर का, एक सब्जेक्ट का दो दो पार्ट का वीडियो रहेगा। तो इस पार्ट का वीडियो देखिए और अगले पार्ट की वीडियो भी आपको जल्द ही इसका देंगे। आप सभी लोग जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए। जय हिंद।